अब करना क्या है आपको, आपने सूरह फलक और सूरह नास, अपनी हिफाजत के अज़कार, ये सब कुछ जरूर करना है, ठीक है। खुद पॉजिटिव रहेंगे, अगर किसी ने जिंदगी में आपके साथ धोखा किया है आज उसको माफ कर दें, कर दें उसको माफ, अल्लाह ताला उसको पॉजिटिव करके आपकी जिंदगी में वापस ले आएगा, या तो वो गम वो चीज आपकी जिंदगी से निकाल देगा इंशाल्लाह। और इस गम के साथ नहीं रहना कि मेरे साथ बुरा हुआ, मैंने तो बहुत अच्छा किया, नहीं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो जो किया आपको जिंदगी में बहुत अच्छा मैसेज दे गया या दे गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे बड़े बैड एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ना होते तो आज मैं यहाँ ना बैठी होती। जिंदगी ने बड़े सबक सिखाए, वो सबक ना होते तो फिर बच्चे जो होते हैं ना, या कोई भी जो टेस्ट होता है, तो टेस्ट के बाद ही उनको अगले लेवल में प्रमोट किया जाता है, राइट। तो टेस्ट के बगैर तो कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। सो पॉजिटिव होना क्या है, हेल्पफुल होना, यूजफुल होना, प्रोडक्टिव होना, कंस्ट्रक्टिव होना, प्रैक्टिकल होना, बेनिफिशियल होना,